प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी आम चुनाव से पहले 14 मई को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक नामांकन से पहले 13 मई को पीएम मोदी का काशी में एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया, जहां वो जनता से बातचीत करेंगे और अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाएंगे। बता दें कि पीएम मोदी को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। पीएम मोदी वाराणसी से हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो गई है और 14 मई को समाप्त होगी, जबकि वाराणसी में मतदान 1 जून को अंतिम चरण में होगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कांग्रेस नेता और पार्टी के यूपी प्रमुख अजय राय को वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा किया गया है। अजय राय उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट के लिए अपनी तीसरी दावेदारी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और 2014 और 2019 दोनों आम चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। राय के अलावा स्टैंड अप कॉमेडियन श्याम रंगीला ने भी पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनावी शुरुआत करने की घोषणा की है। राजस्थान के रहने वाले श्याम रंगीला पीएम मोदी की अनोखी नकल उतारने के लिए मशहूर हैं। रंगीला ने बुधवार 1 मई को सोशल मीडिया लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वाराणसी से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। बता दें कि पीएम मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से 2 बार से सांसद हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ा था और कहा था कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है। उस चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और दिल्ली के वर्तमान सीएम अरविंद केजरीवाल को हराया था। पीएम मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे और मतदान का प्रतिशत 56.37 था। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय तीसरे नंबर पर थे, उन्हें मात्र 75,614 वोट मिले थे। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने 6,74,664 वोट के साथ 63.62% मत मिले थे। उनके वोट प्रतिशत में 7.25 का इजाफा हुआ था। उन्होंने समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को पराजय किया। कांग्रेस के अजय राय तीसरे नंबर पर रहे थे। अब बीजेपी ने फिर से उन्हें वाराणसी से उम्मीदवार बनाया है और पीएम मोदी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वो 13 मई को वाराणसी पहुंचेंगे और वहां रोड शो करेंगे।